नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रोही न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना मरूज। आइए आपको आगाह करते हैं आज की अहम तरीन खबरों से। जामिन हुसैन की इस रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले बतौर असिस्टेंट कमिश्नर रुझान इमरान रफीक का अचानक दौरा THQ शेख खलीफा अस्पताल रुझान। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान इमरान रफीक ने अपने दौरा THQ रुझान के दौरान MSTHQ अस्पताल रुझान सुहेब हसन थरल से मुलाकात की और फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, पोलियो डेस्क, डायलिसिस रूम और OPD का विजिट किया, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर रुझान इमरान रफीक ने दाखिला, मरीजों से तिबी सहूलियात, बर वक्त तिबी इमदाद की फरहमी के बारे में और डॉक्टरों को मरीजों से रवैये के मुतालिक बाजपुर्स की, जिस पर मेल और फीमेल मरीजों ने असिस्टेंट कमिश्नर रुझान को तिबी इमदाद और अस्पताल स्टाफ के बारे में मुस्बत रवैया और बर वक्त देखभाल के मुतालिक असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने इत्मीनान का इजहार किया। डायलिसिस रूम में विजिट के दौरान मरीज को तिबी सहूलियात की फरहमी के मुतालिक दरियाफ्त किया। इत्मीनान बख्श जवाब मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर मुतमईन हुए और OPD ब्लॉक का भी विजिट किया और ड्यूटी पर मौजूद मालूमात ली। इस मौके पर MS रुझान डॉक्टर सुहेब हसन खरल, डॉक्टर इम्तियाज गुल, डॉक्टर फहीम अहमद असिस्टेंट कमिश्नर रुझान के हमराह थे। दौरा के बाद असिस्टेंट कमिश्नर रुझान विजिट के बाद रवाना हो गए। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज़।